मेरा नाम जयमती है, ये सिद्धार्थ नगर है, बस्ती का नाम। जब भी से तोड़ते आए हम यही देखते रहे कि हर बार तोड़ना है तो अपना अपना सामान लेके भागो, ऐसा हम लोग का सिचुएशन था पूरा। हमको जानकारी नहीं थी कि ये जमीन किसकी है, क्या होता है, कुछ भी जानकारी नहीं था। तो एक दिन हम लोग टीवी देख रहे थे, तो उस टाइम में मेधा ताई पाटकर जी का कुछ उसमें प्रोग्राम चल रहा था, तो उस टाइम में हमको पता चला कि भाई हम भी अगर जाएं तो हो सकता है कि हमारी बस्ती भी बच जाए। तो हमने मुलाकात की उनसे, तो उन्होंने सारे मुंबई के अंदर जो 40-50 बस्ती के अंदर जो उन्होंने काम कर रहा है, तो सभी बस्तियां सुरक्षित थी, हमारी बस्ती भी टूटने जैसी थी। और हर बार साल में 4 बार, कभी 3 बार, कभी 2 बार ऐसा तोड़ देते थे। तो हमने वहाँ पे गए, तो 2011 में हम उनके साथ जुड़ गए। जुड़ जाने के बाद हमको उनके द्वारा बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, ज़मीन क्या होता है, लैंड क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है, BMC क्या होती है, ये सब चीज़ें हम उनके थ्रू से सीखे। सीखने के बाद हम हर जगह अपना कागजात का फॉलोअप करने लगे। तो वो बस्ती को पूरा तोड़ के BMC ने हटा दिया वहाँ से लोगों को। तो लोग जाएंगे कि इधर जगह खाली था, तो इधर आके बना दिए, RTI वगैरह डालने लगा, समझने लगा। तो 2013 में बहुत बुरी तरह से हमारे बस्ती को तोड़ दिया गया था, सबका बर्तन भांडी कुछ भी नहीं छोड़ा गया। तो उसी टाइम पे 11 तारीख को हम लोग ने आंदोलन की शुरुआत की यहाँ पे, घर बचाओ घर बनाओ के तरफ से आंदोलन की शुरुआत की, जब से लेके आज तक बस्ती टूटी नहीं है, लेकिन आधा पट्टा जो है वो टूट रही है, जो है यहाँ नहीं टूटा है, आगे का पट्टा टूट रहा है। तो ये सब भी जो हम लोग ने RTI वगैरह डालता रहा, कलेक्टर से बात करता रहा, पुलिस से बात करता रहा, तो उसी टाइम में 2013 में ही 17 तारीख का दिन था जो हम लोग दिल्ली गए थे, तो वहाँ ताई ने अजय माखन जी जो हाउसिंग मिनिस्टर थे कांग्रेस के, उस टाइम में मीटिंग लगाया था, रात को 8 बजे हम लोग की मीटिंग लगी थी, जिस वजह से हमने बस्ती का पूरा मसला को रखा गया, किस तरीके से जो गरीबों को उजाड़ दिया जाता है, किस तरीके से मतलब प्रशासन पुलिस नेता सब मिलके उस ज़मीन को हड़पने के चक्कर किस तरीके से वहाँ से हटाया जाता है, ये सारी बातचीत हुई। तो उन्होंने कुछ लेटर देने के लिए कहा था राज्य सरकार को, तो वो लेटर तो तुरंत मिला नहीं, लेकिन उस एक महीने के बाद हमको वो लेटर गोलीबार में मिला, जिसमें हमारे बस्ती का भी नाम था उसमें। उसमें ये लिखा गया था कि प्रशासन पुलिस ये सब मिल के इस तरीके से गरीबों को हटा दिया जाता है, जो मुंबई को पूरी तरह से चलाते हैं। सरकार कुछ जो BMC है खुल के कुछ बोल नहीं रही है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ प्रशासन का उनके ऊपर दबाव हो सकता है, क्योंकि नहीं चाहते कि अगर बस्ती में टॉयलेट बन जाएगा, उनका सोच ये है कि बस्ती में टॉयलेट बन जाएगा, सुविधा मिल जाएगी, तो ये पक्की हो जाएगी, बाद में हमको हटाने के लिए दिक्कत आएगा, क्योंकि ये जो लैंड पे हम जिस लैंड पे बैठा है वो बहुत कीमती ज़मीन है, और वो चाहते हैं कि सब मिलके इसको हटा के हम लोग बिल्डर को दे दें या किसी को दे दें, ये उनकी नीयत। लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह, क्योंकि इसी उम्मीद में हम ये कर रहे हैं कि आज हमको रहने को मिलता है तो कल हमारे बच्चे उसको पढ़ने का सुविधा होगा, तो वो पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे, तो कहीं आगे निकल पाएंगे। वजह यही है कि पानी दिन भर बच्चे भरने जाते हैं, हाँ, तो इस वजह से उनका पढ़ाई का भी नुकसान होता है। और आदमी जो ड्राइवर का भी काम करता है तो सीट लो एक्स्ट्रा काम करा के लेते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत है पानी की, वो सोचते हैं कि बिल्डिंग से 2 डब्बा पानी मिल जाएगा, तो उस वजह से उसका फ़ायदा सेठ लोग भी उठाते हैं। मज़दूर लोग जो घर का काम करते हैं, लेडीज़ भांडी बर्तन का, उनके साथ भी यही होता है, कम पैसे देते हैं, काम ज़्यादा कराते हैं, क्योंकि पानी ले जाना पड़ता है, क्योंकि पानी की वजह से बहुत दिक्कत है। ये है लाइट का प्रोसीजर भी कलेक्टर के NOC की वजह से ही रुका हुआ है, ज़मीन अभी तक वो लोग क्लियर नहीं करे, खाली आ रहे हैं तहसीलदार के द्वारा ज़मीन को नाप रहे हैं, ये करे बार बार वही रिपोर्ट भेज रहे हैं, एक ही रिपोर्ट को बार बार हर बार लेटर डालो तो यही होता है, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ रहा, वही का वही स्टॉप है। राइट।
लाइट आता है शाम को, कभी 4 बजे भी आ जाता है, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे, का कोई टाइम टेबल नहीं, और सुबह 8 बजे चले जाते हैं, ऐसा सिचुएशन है लाइट का। लाइट का भी अभी समस्या ये आ रहा है, वो जो चोरी का लाइट चलती है तो कंप्लेन होते रहता है, तो रिलायंस वाला आते हैं, लाइट काटते हैं, चले जाते हैं। जब लाइट काट के चले जाते हैं, कभी कभी 2-3 दिन तक लाइट नहीं आती है, समस्या। मैं पहले आश्रम में था, मेरे माता पिता नहीं, तो मैं किंग सर्कल डॉन बॉस्को में रहता था, तो 92 में निकला था, तो उसके बाद शादी हो गया, फिर बस गए यहीं। तो कितने लोग यहाँ पे इस बस्ती में रह रहे हैं? इस लोग जो सरकारी 2013 में जो ताई ने लेटर दिया था मंत्रालय को, उसके थ्रू से सर्वे हुआ था, जिसमें उन्होंने आंकड़ा दिया था 2300 से 2500 जो है लोग संख्या दिया था, और यहाँ टॉयलेट नहीं है, शौचालय नहीं है, वो सब रिपोर्ट दिया था। लेकिन हमने जब सर्वे किया तो 3500 लोग निकले परिवार में। अभी 2016 में एक डेटा आया था, जिसमें घर घर सर्वे किया था, उसमें भी कुछ घर छूट गए थे, उसमें भी यही है कि 3500 तक जो है लोक संख्या है, और घर जो है 525 उसमें दिखाया गया, और सारे घर जो है सर्वे हो इसीलिए नहीं पाया, कुछ लोगों ने विरोध किया था कि हमको नहीं सर्वे कराना है ऐसा, तो उसकी वजह से बाकी का सर्वे हो नहीं पाया। और जैसे आपने बोला कि टॉयलेट और पानी की सुविधा नहीं है, तो इतने सालों से कैसे ये सब हैंडल मैनेज कर रहे हैं? हाँ, कुछ सालों से ऐसे है कि लोग जंगलों में जाते हैं, लेकिन वो समस्या आई कि जब बीएमसी ने उधर गटर बना दिया दीवार का, उसके ऊपर लोखंड डाल के जाने की कोशिश करते, बहुत रिस्क उठा के जाते, कभी कभी गिर भी जाते नीचे गटर के अंदर, थोड़ा सा ये पीछे बाजू जंगल है। हाँ, जंगल है, वो जंगल में लोग जाते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे सोसाइटी के लोग बोलते हैं नहीं, हमारे घर के सामने जंगल है, वहाँ बाथरूम करने नहीं थे, तो इसके बारे में भी कंप्लेन हुआ है, विरोध हुआ है कि वहाँ भी बाथरूम नहीं, तो लोग जाएंगे किधर? हाँ, वो तो रिक्शा उठा के जाना ही पड़ता है, और कोई रास्ता नहीं। हाँ, किसी का घर के सामने अगर गटर है तो उधर वो लोग ने थोड़ा बना लिया है, इसमें वो जो मलमत्ता है वो गटर में जाता है। पानी के लिए ऐसे टैंकर आता है जो 30 रुपया जो एक ड्रम मिलता है, वो ही 1-2 दिन चलाना पड़ता है, और कोई जल्दी ख़त्म हो गया तो टैंकर का भी दिक्कत आता है, ये परेशानी है। और पीने का पानी कोई खरीदता है, कोई काम पे से। पानी की क्या क्या समस्या है आपको? ऐसे थोड़े पानी में हम लोग को बस काम करना रहता है, यहाँ पे तो 2-3 दिन टैंकर भी नहीं आता, 2-3 दिन और उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। हाँ, पैसे देने पड़ते हैं, तो 2-3 दिन आपको पानी में सब कुछ करना। हाँ, वही पानी में सब कुछ करना। और क्या क्या दिक्कतें आती पानी की? कहाँ से पानी लाते हैं अगर टैंकर नहीं आता? टैंकर नहीं आता तो कितने जन तो खरीद के लाते हैं पानी? खरीद के लाते हैं? हाँ, स्टेशन से। हाँ, विद्यानगर स्कूल के उधर से, कहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो आपका ज़्यादातर टाइम पानी लाने में ही चला जाता है? हाँ, ज़्यादा टाइम पानी में ही चला जाता है। इस सिचुएशन एक ही हमारा सक्सेसफुल हुआ है, वो है पानी। उसके अलावा शौचालय में कुछ सक्सेसफुल नहीं पाया है हम लोग, क्योंकि वो लोग टाल मटोल कर रहे हैं, एक दूसरे पे ढकेल रहे हैं कि
ये उनसे उनका काम है कलेक्टर एनओसी देना चाहिए, जबकि जीआर में कलेक्टर का एनओसी की जरूरत ही नहीं। जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो जीआर आया है उसमें साफ लिखा है जो लीगल हो या इनलीगल हो वहाँ आपको बाथरूम बना के देना ही है, ये बात आई है। और दूसरी बात है कि वहाँ पे कलेक्टर की एनओसी की जरूरत ही नहीं है, ये लिखा है, फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो बाद में उनका कहना है कि कलेक्टर हमारे ऊपर केस कर देगा, हाँ हम बाथरूम बनाएंगे, तो ये उनका कहना है। कहीं ना कहीं वो बहाना बना रहे अपना पर, और देश भर में यही चल रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत अभियान। यहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे जा रहे हैं, परिस्थितियाँ ऐसी है, कुछ अच्छा हो नहीं रहा, लेकिन खाली पेपरों में दिखाई दे रहा कि अच्छा 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 है, लेकिन हकीकत में अच्छा नहीं है कुछ भी। बिजली के लिए हम लोग अप्लाई किया था टाटा पावर में, लेकिन वो भी आके कलेक्टर में ही अटका हुआ है एनओसी के लिए। और वो बोल रहे हैं जब तक आप सीआरजेड में आ रहे हो यहाँ नहीं दे सकते हैं, तो हमने बोला जगह चेंज किया है, सीआरजेड के बाहर लेके गए हैं, वहाँ दे दीजिए। तो उसमें भी टाल मटोल हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासन का एक दबाव है कि काम होना ही नहीं चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक ही चीज़ को बार बार वही कह रहे हैं, उसका रास्ता नहीं निकाल रहे कि जो मूलभूत अधिकार है संविधान में जो लिखा है वो मिलनी चाहिए। घर का एक अलग मसला है, लेकिन मूलभूत सुविधा का एक अलग मसला है, क्योंकि पूरा जीवन जो हमारा है इस मूलभूत में ही चले जाता पूरा दिन भर। तो हम कब आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चे कब पढ़ेंगे, कब बोलेंगे? जैसे कि सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियाँ पानी भरने जाएगी तो कब पढ़ेगी, कब आगे बढ़ेगी? यहाँ आर्य समाज के लोग रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर समाज के लोग जेबीम वाले हैं और मुस्लिम हैं। 17 से 18 बच्चे हैं जो अच्छे एजुकेशन किए हैं, आज कोई एयरस्टर में है, 2 लड़कियाँ एयरस्टर में काम करती हैं, कुछ रिलायंस में बड़े ऑफिस में काम करते हैं, ऐसे अच्छे 18 तक बच्चे हैं जो अच्छे एजुकेशन में हैं, जो ये सब लाइट भी नहीं था, दिया चला के पढ़ते थे, ऐसे करके आते हुए स्कूल में जो म्यूनसिपालिटी के स्कूल में बच्चे जो पढ़ने जाते हैं उनके लिए हम लोग ने जो लेटर डाला था कानून के आधार पे कि इतना दूर 3-4 किलोमीटर चल के जाते हैं बच्चे, उसके लिए जो बस है मोहिना होना चाहिए, तो बस चालू की है, PHT बस, सरकारी बस आती है जो बच्चों को लेके जाती है और छोड़ती भी। यहाँ पर कोई ऐसा संगठन या फिर ऐसा कुछ नहीं है जो इस मुद्दों को एक साथ आकर काम करें? देखिए, इसमें ऐसे संगठन तो सिर्फ अपनी सोसाइटी काम करती है, इमानुएल वेलफेयर सोसाइटी और घर बचाओ घर बनाओ, दोनों काम करते हैं। बाकी सब जो लोग हैं वो पॉलिटिशियन के लोग, मतलब वो सिर्फ इलेक्शन के समय बाहर निकलते हैं, सिर्फ वो इलेक्शन में घूमते हैं, जो पैसा इकट्ठा करना उनका काम रहता है और बस में खत्म। बाकी जमीनी लेवल पे, क्योंकि जो इलेक्शन में जाते हैं पैसा ले लेते हैं, तो नेता भी बोलते हैं कि आप तो हमसे पैसा ले के गए तो फिर काम क्यों बोल रहे, तो ये बात आ जाती है सामने, तो इस वजह से वो लोग आगे बढ़ नहीं पाते। जितना भी अभी बस्ती के अंदर आज तक बची है, संघर्ष हुआ है, जो कुछ भी आया है, वो सिर्फ घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन ने जो काम किया उसी वजह से हम सुरक्षित हैं अभी।